गाइस गाइस, जब इस टाइप की ब्यूटीफुल वीडियो बना के आप लोग मुझे सेंड करते हो तो मुझे वीडियो बनाने में भी बहुत ज्यादा मजा आता है। और भाई डॉग्स की क्वालिटी जो है ना वो भी बिल्कुल निखर कर आती है, जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं। भाई बहुत ही प्यारी वीडियो बनाकर सेंड कर रखी है उन्होंने मुझे, और साथ में आप लोग पीस की क्वालिटी देखे जो की बहुत शानदार है। तो यहाँ पर आप लोगों को काफी अच्छी अच्छी क्वालिटी के बुल्ली कुत्ता पीस मिलने वाले हैं। एंड जब आप लोग इन पीस के पेरेंट्स को देखोगे तो आप लोग इन पीस को परचेज करने पे मजबूर हो जाओगे, क्योंकि भाई पेरेंट्स की क्वालिटी ही ऐसी है। तो फिलहाल जो आप लोग देख रहे हैं ये इन पपीज की मदर है, तो पपीज को आप लोग डायरेक्ट मदर के पास से उठा सकते हैं, और जब तक ये पपीज सेल नहीं होते तब तक मदर फीडिंग पे हैं। तो गाइस बुल्ली कुत्ता एक मस्टिव डॉग ब्रीड है जिनकी हाइट 36 इंचेस भी चली जाती है। तो भाई ये हाइट काफी ज्यादा हो जाती है, लेकिन भाई काफी लोग क्या करते हैं कि शौक में एक लार्जेस्ट डॉग ब्रीड को परचेज तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि वो कहते हैं ना हाथी को लाना आसान होता है लेकिन उन्हें खिलाना नहीं। तो स्टार्टिंग में आप लोगों को इस ब्रीड का मंथली एक्सपेंसेस थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि ग्रोविंग ब्रीड में चाहे कोई भी डॉग ब्रीड हो उनकी डाइट थोड़ी ज्यादा होती है। और अगर आप लोग इस टाइम खिलाने में कंजूसी कर दोगे तो भाई आगे चल के आप लोगों को क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा। तो भाई आप लोगों ने देखा होगा कि इन्होंने की मैंने रिसेंटली भी वीडियो डाली थी, उससे काफी सारे पपीज सेल हो गए थे। तो अब इनके पास ये नया लीटर आया, वैसे इनके पास आप लोगों को हमेशा बुल्ली कुत्ता के पपीज मिल जाएंगे, चाहे आप लोग छोटे पपीज लो, सेमी एडल्ट या फिर एडल्ट डॉग्स, क्योंकि जब कोई भी बंदा एक ही ब्रीड पर फोकस करता है तो वो क्वालिटी में भी डील करेगा। और ये जीता जाता उदाहरण आप लोगों के सामने, क्योंकि इन पपीज की क्वालिटी देखे भाई, बहुत शानदार क्वालिटी के पपीज है। मेल भी मिल जाएंगे फीमेल भी, और कुछ पपीज थोड़े डार्क कलर में और कुछ थोड़े लाइट कलर में। आई नो अब काफी लोग एक्साइटेड हो रहे हैं, मंजी देख पपीज की क्वालिटी नो डाउट बहुत बढ़िया है, लेकिन भाई पेरेंट्स को देखने के बाद ही तो परचेज करेंगे ना, क्योंकि उसी से तो पता लगेगा ना यार पपीज की क्वालिटी किस टाइप की होगी, इनकी हाइट कैसी होगी, क्योंकि इस ब्रीड में हाइट बहुत मैटर करती है। तो भाई पपीज के साथ तो आप लोग मदर को देख ही चुके हो, लेकिन ये इसकी सिंगल फोटो है जिसमें आप लोग इसकी हाइट को अच्छे से देख सकते हो, फीमेल की हाइट काफी अच्छी है। लेकिन भाई साहब फादर की क्वालिटी और इसकी हाइट देखकर आप लोगों की आगे बढ़ जाएंगी। भाई आप लोग इसकी क्वालिटी और इसकी हाइट देखे भाई, सच में लाजवाब है। वैसे इनकी मैटिंग की वीडियो भी अवेलेबल है जो कि उन्हें आप लोगों को पर्सनली सेंड कर देंगे। वैसे फिर भी मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप लोगों को इन पपीज के पेरेंट्स की क्वालिटी कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, ताकि दूसरे लोग की भी हेल्प हो सके। तो अब चॉइस आप लोगों के पास है, अब आप लोगों को देखना कि आप लोग एक मस्टिव डॉग ब्रीड की क्वालिटी में डील करनी है ना, तो डेफिनेटली आप लोग इन ओनर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पपीज की क्वालिटी में आप लोगों को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। वैसे अगर इनकी एज के बारे में बात करें तो पपीज 35-40 डेज के बीच के हैं, एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है हिसार हरियाणा से। एंड गाइस प्लीज प्लीज अगर डिलीवरी की बात करें ना, तो जितना पॉसिबल हो सके डिलीवरी को अवॉइड करें, डायरेक्ट ओनर को विजिट करें, ताकि आप लोगों को एक बेस्ट क्वालिटी का पपी मिल सके। या फिर अगर आप लोगों के लिए ये चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही ना, तो उस टाइम आप लोग डिलीवरी का ऑप्शन चूज कर सकते हो, क्योंकि ये ओनर आप लोगों को डिलीवरी प्रोवाइड करा देंगे एक्स्ट्रा चार्ज पर। एंड फाइनली अगर प्राइसिंग की बात करें तो उन्होंने जो मेल के प्राइस की डिमांड की है वो किया 20,000 पीस 20,000 रुपए, एंड फीमेल की 12,000 पीस यानी 12,000 रुपए। लेकिन दोस्तों आप लोग बार्गेनिंग करके थोड़ा बहुत प्राइस कम करा सकते हो भाई। बाकी वीडियो तो लाइक करके जरूर जाएं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।